मेरा नाम डॉक्टर रिहाना बशीर है मेरा यूपीएससी सीएससी 2018 में Uh, 187 रैंक है और मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था जिसमें मेरी स्कोर uh, 305 है uh, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक डेमो uh, आंसर uh, मैंने कैसा आंसर uh, लिखा है यूपीएससी सीएससी मेंस में इन मेडिकल साइंस क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम uh, ऐसा होता है कि हमने सारी बुक्स uh, पढ़ी होती हैं वी आर एबल टू मेक बेटर लिंकेजेस हम अलग अलग लिंक्स बना लेते हैं आंसर एग्जैक्टली exactly वैसा नहीं है ये डेमो आंसर जैसा हाँ, एग्जाम में मैं लिख के आई हूँ बट इट विल गिव अ जनरल आइडिया कि कैसे अप्रोच करना है मैंने कैसे अप्रोच किया था शायद इससे आपको हेल्प हो जाए सो आई चोजन दिस क्वेश्चन 2018 मेडिकल साइंस uh, uh, के पेपर से ये क्वेश्चन है कि देर इज अ फोर्टी ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट विद हेमाचोरिया ऑफ एंड ऑन फॉर फोर मंथ्स एंड क्वेश्चन जो हमें आंसर uh, करने हैं वो हैं कि इनोमरेट कॉजिज ऑफ हिमाचुरिया हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट टू रीच द डायग्नोसिस एंड डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ रीनल स्टोन्स तो वी इन मेन्स वी हैव हमारे पास शीट्स uh, जो होती हैं हमारे पास जो स्पेस होती है वो काफ़ी कम होती है एंड हमें बहुत कुछ लिखना होता है uh, वो भी छोटी सी जगह पे तो वी हैव टू राइट वेरी जुडिशियसली एंड वी शुड ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स तो फ्लो चार्ट्स का एक प्रॉपर यूज़ uh, और एक प्रॉपर अप्रोच और टू द पॉइंट आंसर्स हमें बहुत हेल्प करेंगे मार्क्स फेच करने में एंड डायग्राम्स जहाँ पे भी डायग्राम्स हो वहाँ पे उसका यूज़ करें तो फॉर uh, एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इनोमरेट द कॉज ऑफ ह्यूमाच्योरिया तो इसमें डायरेक्टली आपको कॉजेज पूछे हैं तो यू शुड लाइक डायरेक्टली फोकस ऑन द काजेज एंड अब एक नॉर्मल पर्सन वुड डू वट मेजोरिटी पीपल वु कि दे विल राइट अ पैराग्राफ अबाउट इट बट आई वुड रिकमेंड टू गेट बेटर एज वी शुड टेक यूज ऑफ Diagrams and flow flowcharts like this. So I have mentioned what is the case. Case is 40-year-old male with symptoms of hematuria uh, for four months. Now, what what are the causes of hematuria? So uh, I have made a diagram. There uh, there is this kidney, and I have mentioned with a flow chart that in kidney we have a glomerular ca causes and extra glomerular uh, causes, and I have mentioned uh, in uh, uh, subheadings, allular causes. Uh, सारे पॉसिबल जो uh, हो सकते हैं इसमें फिर वैसे ही यूरेटर्स के साथ आई हैव मेड एन एरो डायग्राम एंड मैंशन पॉइंट्स और फिर ब्लैडर फिर uh, मेल्स के केस में प्रोस्टेट एंड पॉसिबल कॉजेज जो हेमोचुरिया कॉज कर सकते हैं एंड इन यूरेथ्रा आई हैव मेन्शन दिस थिंग्स सो आई हैव मेड यूज ऑफ फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पेज आई हैव वन पेज एंड आई हैव मेड फुल यूज़ ऑफ दिस पेज एंड मेन्शन ऑल द कॉजिज ऑफ हिमोचूरिया इन One page only, and with the uh, with which uh, is looking uh, very neat and tidy, and looks very better and helps you get uh, good marks. Now, now the second question how will you investigate the patient to reach the diagnosis? Now, here uh, we should do is that when, we, when they ask us how will you investigate the patient to reach a diagnosis, now uh, uh, you have to approach this answer. एज इफ यू आर अटेंडिंग अ पेशेंट पेशेंट आपके सामने है वैसे ही उसको uh, अपने माइंड में वैसे सीनारियो रखें यू शुड गो विद द आंसर तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव इमेजिंड इन माई माइंड नाउ दैट देर इज अ पेशेंट हुई इज फोर्टी ईयर्स ओल्ड ही इज मेल एंड इज ही हैज कम विद दिस हिस्ट्री ऑफ हिमचुरिया आई विल इन माई माइंड मैनी डिफरेंशल डाइग्नोसिज विल कम एंड जैसे ही ये डिफरेंशियल डायग्नोसिज आएंगे आई हैव टू मैंशन कि ये 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 मेरे माइंड में आ गया सिर्फ इतनी सी हिस्ट्री से अब इससे आगे मैं कैसे प्रोसीड करूँगी uh, कि ये ये जो चीज़ें जो मेरे माइंड में आ रही है कि पेशेंट को हो सकती हैं तो uh, मैं कैसे एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस तक पहुंचने की कोशिश करूंगी तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हिस्ट्री से ही स्टार्ट हो जाती है अब हिस्ट्री से मुझे पॉसिबल कॉजेज़ uh, नज़र आ रहे हैं जो कि मेरी प्रोबेबल डायग्नोसिस भी है लाइक पेशेंट को रीनल कैलकुलाई भी हो सकता है यूरेटरिक कैलकुलाई भी हो सकता है ब्लैडर कैलकुलस हो सकता है प्रोस्टेट इलाज हो सकता है और बाकी कॉजेज़ जैसे कि मलेग्नेंसी भी हो सकती हैं तो हिस्ट्री से ही आई विल बी एबल टू रूल आउट सर्टन काजेज़ Uh, uh, जैसे कि इस पेशेंट को देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ पेन कोई फीवर नहीं है uh, नोजिया वॉमिटिंग डिस तो दिस विल uh, रूल आउट मैनी कॉजेज लाइक कैलकुल रूल आउट हो सकती हैं आराम से यहाँ पे अब uh, पेशेंट जो है फोर्टी ईयर है उल मेल है तो uh, हमें माइंड में आएगा कि मे बी इट इज़ एन लार्ज प्रोस्टेट दैट इज़ वाई देर इज़ हिमचूरिया एंड इट कुड बी लाइक कि फोर्टी से ऊपर है और दिस इज़ लाइक एज फैक्टर एंड इट कुड बी मेलेग्नेंसी ऑल्सो तो अब हिस्ट्री से मेरे, मुझे इतना कुछ पता चल चुका है नाउ आई विल डू द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट नाउ इन एग्जामिनेशन कंसिडरिंग कि मेरे माइंड में क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है मेरा फोकस भी uh, उसी उसी सिस्टम पे होगा उसी पार्ट uh, पे होगा टू फाइंड आउट टू हेल्प मी फाउंड फाइंड आउट अ डायग्नोसिस तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या चीज़ रेलिवेंट है वो सब मुझे मैंशन करनी है टेम्परेचर पल्स बी पी रेस्परेटरी रेट टेम्परेचर फॉर फीवर एंड बी पी फॉर हाइपर टेंशन इम्प्लीकेशन की कोई लाइक वी हैव मैंशन इन द काजिज लाइक देर इज पायलोन देर इज अदर थिंग एंड फाइनली अगर किडनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो किडनी की वजह से बाकी सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हमें देखना है पेशेंट में फिर वी हैव टू लुक फॉर ट्रामा तो ट्रामा इंजरी वगैरह वी हैव टू सी इन एग्जामिनेशन वी हैव टू पैलपेट वी हैव टू फाइंड आउट लम्प क्या पता मेलेगनेंसी हो और बिकॉज पेशेंट मेल है एंड फोर्टी ईयर्स से ऊपर है तो इट कुड बी बी पी एच तो उसके लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन आई हैव टू मैंशन दैट इन एग्जामिनेशन आफ्टर डूइंग एग्जामिनेशन आई गो टू द लैब लैब डायग्नोसिस तो लैब डायग्नोसिस विल विल बी एज एन एड एंड हेल्प मी रीच अ डायग्नोसिस डेफिनेटिवली जिसमें आई विल जैसे मैंने इसमें आंसर लिखा है लेकिन uh, बिल्कुल एकदम uh, अलग अलग चीज़ों को हैंडल uh, करना है जैसे कि ब्लड एंड देन देना तो मेंशन कि ब्लड में मैं क्या क्या ढूंढूंगी एंड इट शुड बी रेलिवेंट विद द diagnosis in my mind and urine and then there is x-ray, kub, ivu and i have to mention uh, side by sides, key x-ray, <coughs> ivu, US ab uh, ultrasound uh, abdomen uh, in subsum, kya, -kya is the rule out or for example x-ray say i could be able to find out stone, stones, stones hey and he ctmr i say i could find out malignancy uh, I have uh, we have cystoscopy and uh, ivu to check the renal function so overall uh, बिकॉज वी द क्वेश्चन इज अबाउट हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट आई विई टू स्टॉप हेयर ऑनली टू मैंशन कि बस ये ये इन्वेस्टिगेशन करके वी विल फाइनली रीच द डायग्नोसिसज यू डोंट नीड टू रीच द डायग्नोसिस यू हैव टू मैंशन कि ऐसे हम डायग्नोसिस तक पहुँच जाएंगे फिर उसके बाद आता है डिस्कस द ट्रीटमेंट नाउ ट्रीटमेंट इफ आई हैव टू डू दैट राइट इट डाउन तो आई कैन इवन स्टेट अवे राइट आउट इन पैराग्राफ्स लाइक ओके दिस थिंग इज देयर बट टू राइट इट डाउन विद द फ्लो चार्ट इट हैज्स यू गेट मोर मार्क्स फॉर एग्जाम्पल आई हैव डिवाइडेड द ट्रीटमेंट इन टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट सो इन द हेडिंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आई विल मैंशन की वैन वी लाई गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट वट आर द इंडिकेशन एंड वट आर द मेडिकल ट्रीट Then, I will make a flowchart again to mention that there is uh, dietary, there is stone, uh, stone specific ma uh, management. And, I will uh, mention under these uh, uh, different points, point wise like 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is the dietary management and uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is the stone specific management and what are the precautions that I have to take and uh, what should be kept in mind while taking uh, this medical treatment. And, and then, second thing comes is surgical treatment, again there is indication for surgical treatment and then I will mention that these are the cause, these are the things that can be done surgically and uh, uh, for example there is percutaneous nephrolithotomy I will mention here what are the indications and if uh, we have diagrams uh, to uh, show that uh, this is done like this so we, we should make uh, uh, necessary diagrams nije. and hi, chota chota karke, we will uh, write it down like this, and uh, or uh, answer will be done. So th since uh, the idea is space is very less in examine exam, and uh, we have to write a lot, so uh, better is to write very, very nicely and uh, very objectively uh, to the point and uh, with every relevant fact uh, facts and with neat and clean with diagrams. Uh, thank you.